नमस्कार, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक लेक्चर के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच चेस्टर बर्नार्ड, यानी व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड। इससे पहले इकाई एक से लेकर के 9 तक के लेक्चर ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के देख सकते हैं। आज ये यूनिट 10 है, कोर्स कोड है UGPA 101। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच को, और अगर क्रम से देखा जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं, यानी क्लासिकल अप्रोच को पढ़ते हैं। उसके बाद हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ते हैं, और फिर बिहेवियरल अप्रोच को पढ़ते हैं, और उसके बाद सबसे आधुनिक जो है, सबसे मॉडर्न अगर अप्रोच की बात की जाए तो है सिस्टम अप्रोच। लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हम देखें तो आपके पाठ्यक्रम में सिस्टम अप्रोच पहले दी हुई है, तो हम आपके पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट आपकी यूनिट होगी, यूनिट 11, वो होगी बिहेवियरल अप्रोच, और उसमें हम हर्बर्ट साइमन के विचारों को पढ़ेंगे। तो हम आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आने लगता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और मेरा भी ये प्रयास है कि आप लोगों के लिए इसे रुचिकर बनाया जा सके। तो सिस्टम अप्रोच पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? वेबस्टर डिक्शनरी की बात की जा रही है। वेबस्टर डिफाइंस अ सिस्टम एज अ सेट और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स सो रिलेटेड और कनेक्टेड एज टू फॉर्म अ यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिक होल। अ सिस्टम इज दस अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स व्हिच टुगेदर फॉर्म अ यूनिटरी होल दैट परफॉर्म्स सम फंक्शंस। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम यानी व्यवस्था, बाद में हम इसको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के देखेंगे और उसका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो सिस्टम को समझते हैं, आप एक उदाहरण ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जीव विज्ञान से इसको लिया गया है। सबसे पहले इसको जीव विज्ञान में बर्ट लैम्पी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, इसे अडॉप्ट किया गया था, और जीव विज्ञान में मानव शरीर से इसकी तुलना की गई थी। तो मानव शरीर से अगर हम तुलना करें तो मनुष्य का शरीर क्या है? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, और जो मनुष्य के शरीर के अंग हैं वो इसकी उपव्यवस्था है, सब सिस्टम है। तो सिस्टम हम किसको मानेंगे? ह्यूमन बॉडी को। और सब सिस्टम जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, जो तंत्र होते हैं, अंग तंत्र या अंग, उसको हम सब सिस्टम मानेंगे। तो ये बता रहा है यहाँ पर कि सिस्टम इज दस अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स व्हिच टुगेदर फॉर्म अ यूनिटरी होल दैट परफॉर्म सम फंक्शन। अगर हम शरीर से उसका कोई भी पार्ट या उसके कुछ पार्ट अलग कर दें, जैसे नाक, कान, आँख, गला, मुंह, हाथ, पैर, इनके सबके अलग कार्य हैं, इनकी सबकी अलग भूमिकाएं हैं, महत्व तो इनके कार्यों का है, लेकिन अगर हम इन्हें शरीर से अलग कर दें और सारे अंग अलग करके कहें कि ये शरीर है, तो क्या वो उसका कोई अस्तित्व बचेगा? शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसी प्रकार से जो इसकी उपव्यवस्था माना गया, जो इसके अंग हैं शरीर के, मनुष्य के शरीर के, उनको भी यदि अलग कर दिया जाए तो ये शरीर से अलग होने के बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, तो इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये सिस्टम थ्योरी, सिस्टम अप्रोच वही बताती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, यानी संगठन एक व्यवस्था है, और जो संगठन के तत्व हैं जिनसे मिलकर के संगठन बना है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, तो सभी का अपना अलग अलग काम है, और सबको मिला के हम कहते हैं कि यह एक सिस्टम है, यानी संगठन को हम व्यवस्था मानते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फोर इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, नेमली टास्क, स्ट्रक्चर, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलग अलग जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि कोई भी कार्य है, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना जो है, और उसमें काम करने वाले लोग और टेक्नोलॉजी, तो इन सबको मिला करके एक संगठन बना है, और संगठन को हम
सिस्टम कहते हैं। हम इसका उदाहरण किसी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, स्कूल से ले सकते हैं, अपनी फैमिली को एक सिस्टम मान के देख सकते हैं। कहीं किसी डिपार्टमेंट का आप उदाहरण ले लीजिए तो आप पाएंगे कि उसमें जितने उसके पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मिलाकर के ही एक सिस्टम बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सिस्टम है। आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं ये यहाँ पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट मान सकते हैं या एक शाखा मान सकते हैं। तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसे कि रिकॉर्डिंग के लिए कैमरामैन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले सारा कुछ कर रही हूँ, या इसका जो डायरेक्टर है वही सारे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। एडिटर वीडियो को एडिट करता है और उसको अपलोड करता है, प्रोग्रामर की अपनी अलग भूमिका है। तो इन सबको मिला के एक सिस्टम, ये एक लैब बनाया गया है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का काम होता है। तो एक सिस्टम है, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो एक जो उद्देश्य होता है एक किसी संस्था का या संगठन का, उसको पूरा करने के लिए जितने भी लोग प्रयास करते हैं वो उसका सब सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम मानेंगे और उसके जो पार्ट होते हैं उनको हम सब सिस्टम मानेंगे। इसको इसी तरीके से हम कहीं भी किसी भी आप विभाग का या ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण आप इसको लेकर समझ सकते हैं। सेंट्रल टू द सिस्टम अप्रोच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म, विच मीन्स दैट नो पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी एक्यूरेटली एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम द होल सिस्टम। किसी भी पार्ट को हम अलग से एनालाइज नहीं कर सकते, अलग से उसको सिस्टम से अलग करके नहीं समझ सकते कि सिस्टम का एक पार्ट है तो इसकी अलग हम स्टडी कर लें। हम उन सबको मिला करके ही स्टडी करेंगे। एंड कन्वर्सली इसके विपरीत क्या है? द होल सिस्टम कैन नॉट बी एक्यूरेटली परसीव्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल इट्स पार्ट। इसी प्रकार से सिस्टम को हम जब तक इसके हम पार्ट्स को नहीं देखेंगे, इसके सब सिस्टम जो इसका पार्ट है उनको नहीं समझेंगे, तब तक हम सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। ईच पार्ट बियर्स अ रिलेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस टू एवरी अदर पार्ट। इसके जितने भी पार्ट होते हैं सिस्टम के, ऐसा नहीं कि आपस में वो प्रतिस्पर्धात्मक है, उनके आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंट, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी की बात की जाती है कि परस्पर निर्भरता। जैसे कि किसी भी संगठन में सबके अपने अलग अलग कार्य हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब समान रूप से कार्य कर रहे हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, दूसरा अपना कार्य ना करे, तो वो कार्य संगठन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो संगठन के तीन तत्व हैं जिसकी चेस्टर बर्नार्ड ने बात की है, इसको आगे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिस्टम को जाना। सिस्टम्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज क्लोज्ड और ओपन। अ सिस्टम इज कंसिडर्ड ओपन इफ इट इंटरैक्ट्स विद इट्स एनवायरमेंट। सिस्टम दो प्रकार का होता है, क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो जितने भी सोशल सिस्टम है, अब ऑर्गेनाइजेशन को चेस्टर बर्नार्ड ने कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम माना, यानी इसमें जो लोग हैं काम करने वाले वो एम्प्लॉयज है वो भी है, इसलिए इसे सोशल सिस्टम है। तो ये ओपन है, ये कभी भी क्लोज सिस्टम नहीं हो सकता। जब हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें संगठन को एक बंद व्यवस्था माना गया है, और इसके बाद ही ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई है, बिहेवियर थ्योरी आई है। तो उनकी जो कमियां थी क्लासिकल थ्योरी को, इनको कमियों को सही करके दूसरी थ्योरी आई है। तो चेस्टर बर्नार्ड का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल सिस्टम है, और ये जो इसका परिवेश है, इसका जो वातावरण है, इससे भी प्रभावित होता है, जो बाहरी वातावरण है इससे भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल एंड सोशल सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम इन द सेंस दैट दे आर इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट। बायोलॉजिकल सिस्टम जो भी है, जो सोशल सिस्टम है, वो एक ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो लगातार जो एनवायरमेंट है, जो परिवेश है, उससे उसके संपर्क में रहते हैं। इस वजह से हम इनको ओपन सिस्टम ही मानेंगे। द सिस्टम्स व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज लैटेंट इन द राइटिंग्स ऑफ मेरी पार्कर फॉलेट एंड चेस्टर बर्नार्ड। हर्बर्ट साइमन्स डिसीजन मेकिंग स्कीम फॉलोज द सिस्टम्स अप्रोच विच वॉज फर्दर एलेबोरेटेड बाई हिम एंड हिज एसोसिएट्स लेटर। जो सिस्टम थ्योरी है, जैसा कि अभी मैंने बताया, सबसे पहले ये जीव विज्ञान में आई। बायोलॉजी के बाद इसको धीरे धीरे अन्य जो सामाजिक विज्ञानें थी उन्होंने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और ये पहले प्राकृतिक विज्ञान में आई, उसके बाद भौतिक विज्ञान में आई,
और फिर ये समाजशास्त्र में इसको अडॉप्ट किया गया, आपने नाम सुना होगा टालकॉट पार्सन्स का, उन्होंने इसका प्रयोग किया। राजनीति शास्त्र में आप जब डेविड डिस्टन को पढ़ते हैं तो जो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है 1953 में आई थी द पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें डेविड डिस्टन ने समझाया है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको सिस्टम थ्योरी, सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझाने की कोशिश की है। और डेविड डिस्टन के साथ आपने आर्मंड पावेल का भी नाम सुना होगा। तो राजनीति शास्त्र के बाद फिर प्रशासन में यानी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए भी सिस्टम अप्रोच का प्रयोग किया गया, और इसको लाने वाले, इसके जो आरंभकर्ता हैं यानी इसकी शुरुआत करने वाले जो हैं वो चेस्टर बर्नार्ड हैं। चेस्टर बर्नार्ड के बाद हम हर्बर्ट साइमन का भी नाम जोड़ते हैं। और एक बात आपको और स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि जो भी सिस्टम अप्रोच लाने वाले हैं, मतलब सिस्टम अप्रोच को हम किसी एक विद्वान से या इसके किसी विचारक से नहीं जोड़ सकते हैं, किसी एक नाम से नहीं जोड़ सकते। जितने भी बिहेवियरलिस्ट हैं, जितने व्यवहारवादी उपागम को मानने वाले हैं, स्वीकार करने वाले, यानी जो भी व्यवहारवादी विचारक हैं वही व्यवस्थावादी विचारक भी हैं। तो हम साइमन का नाम ले सकते हैं, चेस्टर बर्नार्ड का नाम ले सकते हैं, और मेरी पार्कर फॉलेट का यहाँ पर नाम आया, उनकी भी राइटिंग्स में देखने को मिलता है। मेरी पार्कर फॉलेट शायद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, हमने इसकी इनका अध्ययन नहीं किया है और इनकी बात नहीं की है, लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं टेलर को, उसके बाद हम फ्योल को पढ़ते हैं, गुलिक को पढ़ते हैं, उर्विक को पढ़ते हैं, और क्लासिकल थ्योरी में वैसे तो मेरी पार्कर फॉलेट उसी में पढ़ाई जाती है, मतलब उसी में हम उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन मेरी पार्कर फॉलेट को क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इनके जो राइटिंग्स थी उसमें कहीं ना कहीं संगठन में जो सोशल शब्द की बात होती है, उस तो समाज की बात होती है, जो लोगों की बात होती है, जैसे कि ह्यूमन अप्रोच में बात की गई है, कहीं ना कहीं उसकी झलक देखने को मिलती है इनकी राइटिंग्स में। जो इन्होंने लेखन किया है मेरी पार्कर फॉलेट ने, उनके विचारों में हमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की भी झलक दिखाई देती है। तो मेरी पार्कर फॉलेट सिस्टम अप्रोच लाने वाली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग्स में हमें एक शुरुआत मिल जाती है कि सिस्टम व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। हर्बर्ट साइमन्स डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट साइमन अभी जब हम नेक्स्ट यूनिट में इनको पढ़ेंगे तो साइमन का जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है बहुत ही पॉपुलर है, आपने उसको ज़रूर सुना होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच को अडॉप्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चेस्टर बर्नार्ड के संगठन के संबंध में यानी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्या विचार है उनको हम समझेंगे। तो चेस्टर बर्नार्ड ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव और सोशल सिस्टम मानते हैं, यानी सहकारी सामाजिक व्यवस्था संगठन को मानते हैं। चेस्टर बर्नार्ड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी वॉज अ ब्रिलियंट थ्योरिटिशियन हुज आइडियाज आर प्रोबेबली बेस्ट स्टेटेड इन हिज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938। आपको याद होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने बात की थी, जब हम किसी की अप्रोच या किसी भी पर्टिकुलर थिंकर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो साथ साथ में हमें उस उनकी राइटिंग्स और शॉर्ट में उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में थोड़ा सा हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके प्रोफेशन को जानेंगे कि वो क्या काम करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका टाइम पीरियड क्या था, तभी हम उनके विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चेस्टर बर्नार्ड ऐसा नहीं है कोई लेखक थे या कहीं प्रोफेसर थे, इनके जो बुक्स हैं, जैसे पहली बुक यहाँ पर लिखी हुई है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में आई थी, इसके बाद इनकी एक और पुस्तक भी प्रकाशित हुई है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये बुक उनकी इसके 10 साल बाद यानी 1948 में पब्लिश हुई है। तो ये अब इनका 30 से 35 साल का जो एक्सपीरियंस था इस कंपनी में काम करने का, उसके बेस्ड पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर इन्होंने ये जो रचना की है, जो इनकी राइटिंग्स हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड क्या थे, न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी के प्रेसिडेंट थे, इसको ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट पद तक ये पहुँचे, और इनको थ्योरेटिशियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और लेखन किया है दो किताबों का। तो इनके जो आइडियाज़ हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, अब इसी में इन्होंने सिस्टम अप्रोच की बात की है। ही मेंटेन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम है, किसको मिलाकर के बना है, जो दो या दो से अधिक लोगों के आपस में सहयोग के साथ और समन्वय के साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसी को हम
मिला करके एक सिस्टम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसको इन्होंने सिस्टम बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज थ्री एलिमेंट्स। अब आगे यहाँ से हम इसको भी समझ लेते हैं, और जो ये वाली लाइनें हैं इसी को यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है। मोर पर्सन्स हेल्ड टुगेदर बाई इट्स कैपेसिटी टू जनरेट अ कॉमन पर्पज। पहली बात हम ध्यान देंगे कॉमन पर्पज पे, बाई अ विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी विलिंगनेस टू कोऑपरेट, सहयोग करने की इच्छा, कॉमन पर्पज यानी साझा उद्देश्य। आप जानते हैं कि जब किसी संगठन का जो गोल होता है वो सभी का एक साझा उद्देश्य होता है, यानी कॉमन गोल उसको हम मानते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ इट मेंबर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट इट्स प्रोसेसेस एंड बाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तीसरी बात की है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो इनके चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन के तीन तत्व होते हैं, थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक संगठन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में, वो एक संगठन का मूल तत्व है। इसके अलावा विलिंगनेस टू कोऑपरेट, सहयोग करने की इच्छा, जो व्यक्ति वहाँ पर कार्य कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर, उनमें आपस में सहयोग करने की इच्छा का होना आवश्यक है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती कोई उनसे सहयोग कराएगा, उनके अंदर से इच्छा हो कि हम इस काम में सहयोग करें। एंड लास्ट है कॉमन पर्पज, और उसमें कार्यरत सभी कार्मिकों का कॉमन पर्पज होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए, यानी कि साझा उद्देश्य, सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, संगठन का जो उद्देश्य है। अब यहाँ पर संगठन से संबंधित जो भी विचार हैं चेस्टर बर्नार्ड के, उनको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे नोट किया है, आपको मैं इसको वन बाई वन समझाऊंगी। तो नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम क्या है? योगदान संतुष्टि संतुलन। ये एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत दिया था चेस्टर बर्नार्ड ने। अभी जो हमने संगठन के तीन तत्वों की बात की, जिसमें हमने देखा संचार यानी कम्युनिकेशन, दूसरा हमने देखा विलिंगनेस टू कोऑपरेट यानी सहयोग करने की इच्छा, तीसरा हमने देखा कॉमन पर्पज या कॉमन गोल यानी कि साझा उद्देश्य या फिर एक सामूहिक उद्देश्य, जो संगठन का उद्देश्य होता है वही उसमें संगठन में कार्यरत कार्मिकों का उद्देश्य होना चाहिए। तीन मेन एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स बताए थे बर्नार्ड ने, उसी को हम यहाँ समझेंगे। अब चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि एक प्रश्न है कि संगठन में कार्यरत व्यक्ति, संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग, वो सहयोग क्यों करें? हम एक दूसरे का सहयोग क्यों करें अगर हम यहाँ इस संगठन में काम कर रहे हैं? तो इसको कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन का, जो भी आप देख रहे हैं योगदान संतुष्टि संतुलन, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि संगठन में व्यक्ति इसलिए सहयोग करता है क्योंकि उसको संतुष्टि मिलती है। अब संतुष्टि कैसी? तो जो सहयोग है और संतुष्टि है, उसका चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि संतुलन होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो संतुलन कैसे होगा? संतुष्टि में यहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड ने आर्थिक संतुष्टि की बात नहीं की, यहाँ पे जो इकोनॉमिक मैन, अभी हम जो टेलर को पढ़ रहे थे उसमें इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट था कि उन्हें जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करने पर उनको इंसेंटिव उनका बढ़ा दिया जाए पर यूनिट, तो ज़्यादा विलिंगनेस उनके अंदर आएगी, ऐसा नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड का कहना है कि आर्थिक प्रोत्साहन, ऐसा नहीं कि हम इनको अलग कर सकते हैं, इनका अपना महत्व है, जाहिर सी बात है जीविकोपार्जन के लिए हमें आर्थिक तो प्रोत्साहन चाहिए चाहिए, लेकिन साथ साथ में अन्य प्रोत्साहनों की भी ये चेस्टर बर्नार्ड बात करते हैं, जैसे कि वहाँ कार्य करने की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं, वहाँ का एटमॉस्फियर कैसा है वो भी मायने रखता है, उसको भी ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोत्साहित हों अपने काम करने में, सामाजिक परिवेश कैसा है और प्रतिष्ठा है, कौशल का गर्व है, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर, किसी को स्किल कोई सीख करके आया है, स्किल्ड है, तो उसके कौशल की कहीं ना कहीं तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए, अगर उसने कोई अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसको सबके बीच सम्मानित किया जाना चाहिए, उसके पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा, पर्टिकुलर जो वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है किसी संगठन में, उसको समय समय पर प्रतिष्ठित करने की भी आवश्यकता है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको सम्मान देना चाहिए, और साथ में जो अभी जैसे हमने बात की स्किल्ड की, अगर कोई स्किल उसके अंदर अच्छा है, वो उसमें किसी कार्य में निपुण है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, साथ ही सारे प्रोत्साहन भी काम करते हैं, केवल आर्थिक प्रोत्साहन ही नहीं। तो इस वजह से वो जितनी ज़्यादा उसको संतुष्टि होगी
व्यक्ति को उतना अधिक वो सहयोग करने को तत्पर होगा, और संगठन में जितनी कम उसको संतुष्टि होगी उतना ही वो कम सहयोग करेगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, सत्ता की अवधारणा। सिस्टर बर्नार्ड के विचारों में सत्ता की अवधारणा क्या है? सिस्टर बर्नार्ड का मानना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बेस है वो अथॉरिटी है। बिना सत्ता के संगठन का कोई अस्तित्व नहीं, कोई आधार नहीं है। तो संगठन का जो मूल आधार है वो सिस्टर बर्नार्ड के अनुसार सत्ता है। संगठन में जो भी आदेश दिए जाते हैं वरिष्ठ से अधीनस्थ को, उनका आधार क्या है? सत्ता है। अगर कोई भी आदेश अधिकृत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है उसको जिसने आदेश दिया है, तो जो अधीनस्थ है वो क्यों उसके आदेश को मानेंगे? जो जिस आदेश को देने के लिए अधिकृत है उसको अधिकार दिया गया है कि आप आदेश कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, तभी तो निर्णय का आप पालन करा पाएंगे। तो सत्ता को बहुत ही महत्व दिया है, इसको आधार बताया है। लेकिन चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार सत्ता जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है। सत्ता का जो सिस्टम है, जो अवधारणा है, इन्होंने बताया है कि नीचे से ऊपर की ओर है, यानी कि अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित है। जब तक अधीनस्थ हमारी सत्ता को, हमारे में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उस कंपनी में या उस संगठन में काम करने वाले, जब तक उनका आदेश कोई क्यों पालन करेगा नीचे, जब तक वो उस स्वीकृति के लायक नहीं होगा आदेश उसका। तो इसके बात करते हैं कि जो सत्ता है वो अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित है। इसमें भी आपने पढ़ा होगा जोन ऑफ इंडिफरेंस, जो स्वीकृति है उसमें उदासीनता के क्षेत्र की बात करते हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधीनस्थ सत्ता द्वारा दिए गए आदेश को क्यों स्वीकार करेगा, इसके भी कई कारण बताए हैं। कोई भी आदेश का पालन तभी होगा जब दिया गया आदेश पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, यानी उसकी भाषा जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसकी समझ में हो, जब वो उसको समझ सके कि हमें किस आदेश का पालन करना है, हमें क्या आदेश दिया गया, उसकी भाषा स्पष्ट हो और लोगों के लिए आसान हो। दूसरा कि वो संगठन के जो हित हैं या संगठन के जो उद्देश्य है उससे मेल खाते हो। ऐसा नहीं है कि वो हमारा वरिष्ठ कोई भी आदेश दे रहा है अपने कनिष्ठ अधिकारी को और उसमें संगठन के हित में, वो संगठन के हित में ना हो आदेश, तो जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो उसका आदेश क्यों मानेगा। तीसरा है संगठन के हित के बाद उसका निजी हित आता है। हो सकता है वो वरिष्ठ अधिकारी कोई ऐसा आदेश दे रहा हो जो जो अधीनस्थ अधिकारी है उसके अपने निजी हित में ना हो, उसका नुकसान हो रहा है, तो भी वो आदेश नहीं मानेगा। चौथा है जो अधीनस्थ है वो मानसिक और शारीरिक रूप से उस आदेश का पालन करने में समर्थ हो, यानी वो योग्य और सक्षम हो, तभी वो उस आदेश का पालन करेगा। तो इसको चेस्टर बर्नार्ड बताते हैं कि जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित होती है और नीचे से ऊपर की ओर इसको बताया गया है। इसमें प्रथम श्रेणी में जोन ऑफ इंडिफरेंस, जो उदासीनता का क्षेत्र है आदेश के, जो अभी हमने स्वीकृत बताया अधीनस्थों की स्वीकृत पर आधारित है, तो जो अधीनस्थों की स्वीकृत है इसमें जोन ऑफ इंडिफरेंस यानी कि उदासीनता के क्षेत्र की बात करते हैं जस्टर बर्नार्ड, क्योंकि इसमें तीन श्रेणियां बताई हैं, तीन तरीके से बताया है कि कोई ऐसा, एक तो अधीनस्थ को आदेश दिया गया और उसने देखा कि वो आदेश पालन करने योग्य नहीं है, पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया कि ये आदेश का पालन नहीं होगा। दूसरा बताया है कि वो आदेश का पूरी तरीके से पालन नहीं करता है, कुछ हद तक मान लेता है, और इसको उदासीनता का जो क्षेत्र है उसके बॉर्डर लाइन पे बताया जस्टर बर्नार्ड ने कि जो दूसरे प्रकार का आदेश दिया गया है वो आदेश एज इट इज तो नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक उसका पालन किया जाता है। तीसरा जो आदेश बताया है वो बिल्कुल भी जो अधीनस्थ होते हैं अस्वीकार कर देते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, ये पालन करने योग्य नहीं है, और इसी को वो जोन ऑफ इंडिफरेंस की संज्ञा देते हैं यानी उदासीनता के क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। तो जो तीसरी श्रेणी का जो आदेश है जो निर्विवाद रूप से अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, इसी को चेस्टर बर्नार्ड ने उदासीनता का क्षेत्र बताया है, और इस ये तीन श्रेणियाँ जिसमें लास्ट वाला जोन ऑफ इंडिफरेंस माना जाएगा। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। संगठन के जो तीन तत्व भी हमने बात की थी उसके अंतर्गत कम्युनिकेशन की भी बात की गई थी। तो कम्युनिकेशन, चेस्टर बर्नार्ड का कहना है, सरल और स्पष्ट होना चाहिए,
बिल्कुल समझ में आया, जिसको जिसके साथ संचार किया जा रहा है, कम्युनिकेशन औपचारिक रूप से दिया जा रहा है, जिसको आदेश दिया जा रहा है या कोई बात पहुंचाई जा रही है, सूचना दी जा रही है, तो बिल्कुल भी वो स्पष्ट और सरल होना चाहिए ताकि वो दूसरा समझ सके। और इसको औपचारिक होना चाहिए, संगठन के भीतर जो भी संचार किया जा रहा है वो औपचारिक संचार होना चाहिए, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं सिस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट है, संचार जो भी किया जा रहा है वो अधिकृत हो, उसके साथ साथ अथॉरिटी हो, यानी जो भी किसी के साथ संगठन में संचार कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वो अधिकृत हो, यानी अथॉरिटी के साथ हो, जो भी बात उसके द्वारा कही जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो अथॉरिटी के साथ हो। ऐसा नहीं कोई अधिकृत नहीं है अपनी बात कहने के लिए, फिर भी वो दूसरे से अपनी वो बात पहुँचाता है। और नेक्स्ट है, सरल और संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ही वास्ट ना हो कि बात जो मेन उसकी थीम है कम्युनिकेशन की, जो मेन उसका मोटो है वो ना पहुंच पाए, मेन मोटिव वहां तक पहुंच ही ना पाए, तो बहुत ही संक्षेप में और सरल भाषा में कहा जाना चाहिए। इस प्रकार संचार की बात कहते हैं जस्टर बर्नार्ड। और सिस्टम थ्योरी के जो लिमिटेशंस, या इसको हम क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, जो आलोचनाएं हैं, ये भी देख लेते हैं। जब भी हम कोई अप्रोच या कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी हमें आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं, और जब आलोचनाएं मिलती हैं तो उसका भी कोई सुधरा हुआ रूप अगली थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? दिस अप्रोच ओनली प्रेजेंट्स द आउटलाइन ऑफ द स्टडी इन रियलिटी, इट इज नॉट अ थ्योरी एंड नाइदर कैन इट रिवील द रियलिटी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं, ये केवल एक स्टडी की आउटलाइन है। मैंने शुरू में बताया था कि चेस्टर बर्नार्ड ने सिस्टम अप्रोच को व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन किया है और इसको प्रस्तुत किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये इस जो क्रिटिक हैं, क्रिटिक्स वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इसको हम रियल लाइफ में कहीं हम इसका यूज़ कर पाएंगे या इसको अप्लाई कर पाएंगे। दिस अप्रोच ओनली प्रेजेंट द आउटलाइन ऑफ द स्टडी इन रियलिटी, इट इज़ नॉट अ थ्योरी एंड नाइदर कैन इट रिवील द रियलिटी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा कोई रियलिटी से इसका लेना देना नहीं है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। नेक्स्ट, दिस अप्रोच कैन टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स बट इज अनेबल टू टेल द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप। इसमें बताया गया है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सिस्टम क्या है, तो जो सिस्टम है और उसका जो उसके जो सब सिस्टम्स हैं, यानी एक सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, उनका रिलेशन तो बताया गया है इस अप्रोच में, लेकिन उस रिलेशनशिप की, यानी उस संबंध की, जो आपस में उनका संबंध है, जो अंतर्निर्भरता है, बात की गई है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही काम किया जा सकता है, तो ये क्रिटिक्स कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि ये उसकी गहराई बताने में सक्षम नहीं है, इट्स इज अनेबल टू टेल द डेप्थ ऑफ द रिलेशन, कितनी रिलेशनशिप की गहराई होगी। फाइंडिंग एंड लिस्टिंग द सब सिस्टम्स ऑफ द सिस्टम इज डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि जो सिस्टम और सब सिस्टम की जो लिस्टिंग है या फाइंडिंग है कि सिस्टम के कितने सब सिस्टम्स हैं, कौन सा सिस्टम है उसके कितने सब सिस्टम्स हैं, ये कठिन कार्य है, इसको लिस्ट करना, इसकी सूची बनाना और इसको पाना, इसको जानना। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉजल इफेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एनवायरमेंट। और ये थ्योरी, ये अप्रोच ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो परिवेश है, जो बाहरी परिवेश है, इस पे कॉजल इफेक्ट क्या होगा। दिस मेथड सपोर्ट्स स्टडी एट द माइक्रो लेवल बट इज इम्पॉसिबल एट द माइक्रो लेवल, यानी सूक्ष्म स्तर पे, छोटे स्तर पे तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब बृहद स्तर की, बृहद संगठन की बात की जाएगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको, अब इस अप्रोच को अप्लाई करने में, लागू करने में। टू अडॉप्ट द सिस्टम अप्रोच, हाई लेवल एबिलिटी एंड मोर टाइम एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। आलोचकों का कहना है कि सिस्टम अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए उच्च स्तर की जो रियलिटी है, एबिलिटी है, जो उच्च स्तर की योग्यता है, और साथ साथ में जो रिसोर्सेज, जो टाइम है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उच्च स्तर की इसमें योग्यता होगी, वही इसको लागू कर पाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, अगर रिजल्ट बेहतर आते हैं किसी अप्रोच को लागू करने में, तो हमें इस टाइम और रिसोर्सेज का ध्यान नहीं देना चाहिए। रिसोर्सेज तो हर जगह लागू होते हैं, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का लेक्चर। आज इस लेक्चर के अंतर्गत हमने सिस्टम अप्रोच को पढ़ा,
सिस्टम अप्रोच एस्टर बर्नार्ड का उसमें क्या योगदान है इसको देखा, तो जिसमें हमने देखा कि सिस्टम क्या होता है, इसका जो इसके पार्ट होते हैं जिसको अभी हमने कहा कि सब सिस्टम होता है उसकी बात की। इसके साथ साथ चेस्टर बर्नार्ड के जो संगठन से संबंधित विचार हैं उनको भी हमने जाना। सिस्टम अप्रोच की जो क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना की गई है उसकी भी हमने बात की। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पे अपने कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।